मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये वीडियो अमेरिका के शहर लिंगस्टन की है, जहाँ की अदालत में एक मुसलमान बाप ने अपने बेटे के कातिल को भरी अदालत में माफ कर दिया और उसे गले लगाकर जो बात कही जिसे सुनकर वहाँ बैठे जज भी रोने लगते हैं। दोस्तों, बाप अब्दुल मुनीम का 22 साल का बेटा सलाहुद्दीन पिज्जा डिलीवर करने किसी के फ्लैट पर गया था। ये मुस्लिम नौजवान गोरा चिट्ठा और थोड़ा एशियन मालूम पड़ता था। रास्ते में लौटते वक्त इसे एक काले शख्स ने मारा पीटा और चाकू से वार करके इसे जान से मार डाला। अमेरिका में क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मदद से पुलिस इस कातिल को पकड़ लेती है और 2 साल तक इस पर मुकदमा चला। फिर कोर्ट ने इसको 31 साल की सजा सुना दी, मगर फिर अदालत में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसे देख कर सब हैरान रह गए। अपने बेटे के कातिल को ये मुस्लिम बाप गले लगा कर माफ कर देता है। बाप अब्दुल मुनीम ने कातिल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माफ करना इस्लाम का सबसे बड़ा तोहफा है और मैं तुम्हें अपनी और उसकी मरहूम माँ की तरफ से यह तोहफा देता हूँ और तुमको माफ करता हूँ। आपकी बात सुनकर वो मुजरिम भी अपने आंसू नहीं रोक पाया, बल्कि अदालत में बैठे जज भी अपने जज्बात ना रोक पाए और रोते रोते उठकर अदालत से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, यह थी एक सच्चे मुसलमान की पहचान, जिसने अपनी दीन की तालीम पर अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिलहाल मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों अहबाबों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, और नए आने वाले हमारे दोस्त हमारे चैनल ERK नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।